द गोल्डन बोल इज अन्नीस सौ चार नॉवल बा जेम्स सेट इन इंग्लैंड दिस कॉम्प्लेक्स इंटेंस स्टडी ऑफ मैरिज एंड अडल्ट्री कंप्लीट व्हाट समिटिक्स है मेजर फेज ऑफ जेम्स इज करियर गोल्डन बाउल एक पिता और बेटी और उनके संबंधित पत्नियों के बीच अंतर संबंधों की उलझन की पड़ताल उपन्यास गहरा और लगभग विशेष रूप से केंद्रीय पात्रों की चेतना पर केंद्रित है कभी कभी जुनूनी विस्तार के साथ लेकिन यह भी शक्तिशाली अंतरदृष्टि के साथ प्लॉट समरी: प्रिंस अमेरिगो एक गरीब लेकिन करिश्माई इतालवी रईस लंदन में मैगी वर्वर विधवा एडम वर्वर शानदार अमीर अमेरिकी फाइनेंसर और कला कलेक्टर केवल के बच्चे से शादी के लिए है वहाँ रहते हुए वह रोम में अपने दिनों से शेर लुटस्टेंट एक और युवा अमेरिकी और एक पूर्व मालकिन को फिर से सामना करता है वे श्रीमती एसिंगम के ड्राइंग रूम में मिले थे शेर लोटा मीर नहीं है जो एक कारण है कि वे शादी नहीं की है हालांकि मैगी और शेर बचपन से प्रिय दोस्त रहे हैं मैगी शेरलोट और अमेरिकों के पिछले रिश्ते के बारे में नहीं जानता है मैरिगो मैगी के लिए एक शादी के उपहार के लिए एक साथ खरीदारी करते हैं उन्हें एक जिज्ञासा की दुकान मिलती है जहां दुकानदार उन्हें एक प्राचीन सोने का पानी चढ़ा क्रिस्टल कटोरा प्रदान करता है राजकुमार इसे खरीदने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे संदेह है कि इसमें एक छिपी हुई दोष है मैगी शादी करने के बाद डर है कि उसके पिता अकेला हो गया है के रूप में वे साल के लिए करीब किया गया था वह उसे राजी करने के लिए शेर लोट जो एडम के प्रस्ताव को स्वीकार करता है प्रस्ताव करने के लिए शादी के तुरंत बाद शेर और में को एक साथ फेंक दिया जाता है क्योंकि उनके संबंधित पत्नियों को उनके विवाह की तुलना में उनके पिता बेटी संबंधों में अधिक रुचि होती है एमरिगो और शेर लोटंत में एक व्यभिचार चक्कर घाटे मैगी जोड़ी पर संदेह करना शुरू कर देता है वह एक ही दुकान में जाने के लिए होता है और सुनहरा कटोरा वे खारिज कर दिया था खरीदता है उस उच्च कीमत पर पछतावा करते हुए उसने उसे चार्ज किया है दुकानदार मैगी का दौरा करता है और ओवर चार्जिंग के लिए कबूल करता है अपने घर पर वह हमेरिगो और शेर लुट की तस्वीरें देखता है उन्होंने कहा कि उसकी शादी की पूर्व संध्या पर जोड़ी की खरीदारी यात्रा और उसकी दुकान में उनके अंतरंग बातचीत की मैगी बताता है वे इतालवी बात की थी लेकिन वह भाषा को समझता है मैगी या मरीगो का सामना वह उसे और शेर लुटलग करने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू होता है जबकि उसके पिता को उनके मामले का खुलासा कभी नहीं इसके अलावा शेरलोट से अपने ज्ञान को छुपाने और उनकी दोस्ती में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए वह धीरे धीरे अपने पिता को अपनी पत्नी के साथ अमेरिका लौटने के लिए राजी करती है पहले एक भद्दा अपरिपक्व अमेरिकी के रूप में मैगी के बारे में बात राजकुमार अपनी पत्नी के नाजुक कूटनीति से प्रभावित लगता है उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना करने के बारे में एडम और शेर लुट वर्वर के साथ समाप्त होता है एमरीगो कहते हैं कि वह मैगी कुछ भी नहीं देख सकते हैं और उसे गले लगाता है सारांश का अंत धन्यवाद